हेलो दोस्तों, मैं सनी कुमार यूनिक पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 आप लोग का काफी लंबा इंतजार ये चीजों को लेकर रहता है कि कब इसका एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड कब जारी होगा। देखिए, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी चीजें आपकी नोटिफिकेशन आई है। एक नया आपका अपडेट, वो अपडेट आया है डमी एडमिट कार्ड को लेकर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या आपका एडमिट कार्ड आया है, कब आपका बिहार डीएलएड का एग्जाम हो सकता है और भी बहुत सारी तमाम चीजें। उसके पहले आप लोग का एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना है। आप लोग के सहयोग से यूनिक पब्लिकेशन का 1,50,000 स्टूडेंट तक पहुंच चुके हैं और आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा है। जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा है, जो लोग किसी वजह से अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए आप जरूर करके रखिए। अक्सर ये चीज हम बोलते नहीं है लेकिन अगर करके रखिएगा तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाता है। जिनकी जरूरत लगे वो जरूर सब्सक्राइब करके अपना रखेंगे। अब बात करते हैं बिहार डीएलएड के लिए। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो वो सारा नोटिफिकेशन आपका आया था कुछ दिन पहले कि आपका 13 तारीख से लेके 20 मई मार्च के बीच में आपका एग्जाम होगा। लेकिन आपका एक नोटिफिकेशन आपके न्यूज़पेपर में दिया है जिसमें नोटिफिकेशन आपका दिया है डमी एडमिट कार्ड को लेके। चलिए मैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन आपको ओपन करके दिखाता हूँ क्या दिया है उस नोटिफिकेशन में। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन जो आपका आया है वो आपका नोटिफिकेशन, एक मिनट, हाँ देखिएगा, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन जो दिया है बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो आपका 2023 से 2025 का जो सेशन है, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो सेशन है आपका इसी का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में आपका ये जारी किया है कि 10/3 यानी 10 मार्च से लेके 16 मार्च के बीच में आपका डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अब ये डमी एडमिट कार्ड क्या होता है? डमी एडमिट कार्ड का मतलब जहां से आप ये पता कर सकते हैं जो आपने फॉर्म भरा है उसमें कोई गलती तो आपने नहीं छोड़ दिया है, यानी अपने नाम में, रोल नंबर और भी बाकी फादर्स नेम में, या फिर जो आपका बेसिक डिटेल जो आपने फॉर्म भरते समय डाला होगा क्या उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई है। तो ये अच्छा किया है बोर्ड ने, आपको एक मौका दिया है उसमें अगर सही करना चाहते हैं और आपको ये पता है तो आप वहां पर से जाकर देख सकते हैं। ये आप चेक कैसे करेंगे, उसके लिए 10 तारीख का आपका ये अपडेट आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे वेबसाइट पे। जब आपका ये देगा तो उस पर हम अलग से आपके लिए वीडियो जारी कर देंगे। तो अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 10 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में आपका डमी का एडमिट कार्ड आपका जारी होने वाला है जिसमें आप ये पता कर सकते हैं कि कोई गलती अगर आपसे रह गया है आपके फॉर्म में तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी आप सुधार करिएगा देखिए उसके लिए एक अमाउंट है आपका 200 रुपया, ये आपको जमा करना होगा और उसके बाद ही। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया है कि 16 मार्च 2023 के बाद कोई भी अगर आप सुधार करने की सोचिएगा तो वो आप नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से 10 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में एक दिन आराम से बैठ के देख लीजिएगा कि क्या कोई गलती अगर रह गया है तो उसको जरूर सुधार अपना कर ले, क्योंकि इसके कारण भी कई स्टूडेंट एग्जाम देने से रह जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं इसकी तैयारी को लेके। देखिए, तैयारी के लिए यूनिक पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक मार्केट में मौजूद है, आप लोग कर भी रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के पास गाइड होगा, बहुत सारे लोगों के पास प्रैक्टिस सेट होगा और बहुत सारी अलग अलग किताबें या फिर जो भी आपके पास होगा आपके मैट्रिक के एग्जाम के इंटर के जो भी आपके पास किताब है उससे आप पढ़ रहे होंगे। ये सारी किताबें भी है जहां से आप पढ़ सकते हैं। और जिनकी जरूरत चैप्टर वाइज को लेकर है, आप लोगों को पता होगा दो बैच ऑलरेडी इसका चल भी रहा है, एक फर्स्ट बैच आया और आप लोग के डिमांड पर एक दूसरा बैच भी आया, दूसरे बैचेज में भी आपका एडमिशन चल रहा था जिसमें बहुत सारे लोग तो जुड़े हुए भी हैं। जो लोग किसी वजह से नहीं जुड़े और अगर जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे आपको ये तमाम चीजें मिलती है जैसे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड असाइनमेंट, नोट्स, पीडीएफ और बाकी तमाम चीजें, वहां पे आप देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो फी है वो 1200 रुपए है, लेकिन आपका होली समाप्त हो गया और आशा करेंगे कि आप लोगों ने होली बहुत अच्छे से अपना सेलिब्रेट किया होगा। और एग्जाम डेट को लेकर भी मैं थोड़ा सा चर्चा आप लोग के आगे कर देता हूँ कि एग्जाम कब हो सकता है। देखिए, जब आपका नोटिफिकेशन दिया है 10 तारीख से 16 तारीख के बीच में तो उस समय ये लगता है कि अब जो आपका एग्जाम होगा वो लगभग आपका अप्रैल में एग्जाम निर्धारित होने का चांस बनता है, क्योंकि इतना जल्दी आपका नहीं हो सकता है। 13 मार्च से 20 मार्च तो संभव ही नहीं है, क्योंकि 16 तारीख तक जब आप एडमिट कार्ड ही अपना देखेंगे डमी, तो उसके बाद आपका फाइनल एडमिट कार्ड आएगा और उसके बाद फिर आपका एग्जाम डेट निर्धारित होगा। तो लगभग उम्मीद मानिए कि आपका अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, यानी लगभग आपके पास अभी से अगर जोड़ा जाए तो 20 से 25 दिन का समय है। तो आप ये आराम से इसमें तैयारी कर सकते हैं जिनकी जरूरत है वो लोग। और हाँ, आपका अभी तक आपका होली समाप्त हो चुका है लेकिन आपका अभी तक डिस्काउंट जो है वो चल रहा है, 20% आपका डिस्काउंट जो कि 13 मार्च 2023 तक लागू रहेगा। और कूपन कोड आप इस्तेमाल करेंगे होली है, ये अलग बात है कि होली समाप्त हो चुका है लेकिन कूपन आप इस्तेमाल कर सकते हैं होली है जो कि 13 मार्च तक लागू रहेगा। जिनकी आवश्यकता है आप देख सकते हैं। बाकी लोग जिनकी जरूरत किसी एक सब्जेक्ट में है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, क्योंकि आप लोग का काफी इसके लिए रिक्वायरमेंट आता है किसी एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट के लिए, तो आप मात्र 1200 रुपये, देखिए यहाँ पे फी है, और किसी एक सब्जेक्ट में जुड़ते हैं तो 250 रुपये फी है, आपका अभी 20% डिस्काउंट चलेगा, यानी 200 रुपये पर सब्जेक्ट जमा करके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं।
इसके अलावा क्लासेस की टाइमिंग आप लोग ये देख लीजिए, जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को समय को पता है, जो लोग नहीं जुड़े हैं आप लोग का ये क्लास का टाइमिंग है। और हाँ, 13 मार्च से आपका रेगुलर क्लासेस फिर से जैसे चल रहा था एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले जो लोग जुड़े हुए हैं या जो लोग नहीं जुड़े हैं, पहले की क्लासेस का रिविजन आप लोग करते रहिए, क्योंकि एक बार जब आप लोगों का क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ये मौका आपके पास दोबारा नहीं आएगा। जिनको लगता है आपको आवश्यकता है, आप प्ले स्टोर से यूनिक का ऐप डाउनलोड करिए। बाकी और भी तमाम आपका क्लासेस है, जैसे ITI, पॉलिटेक्निक, पाड़ा, BA, DLED, फाउंडेशन, इस तरह से बहुत सारी बैचेज है जिसपे 5.5 अभी ऑफर जब का चल रहा है, जिनकी आवश्यकता है आप देख सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आपका, एग्जाम कब होगा, तो जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया कि एग्जाम आपका जो है अभी नहीं होने का उम्मीद है 13 तारीख से लेकर 20 मार्च तक। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग का सिलेबस जैसे अभी तक सारा कंप्लीट हुआ है, जहां तक उसके आगे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो इस तरीके से आपकी सारी चीजें रहेगी और जिनकी जरूरत है आप वहां पे देख सकते हैं। और आपका कॉल भी जो है वो आज से आपकी सारी चीजें होने लगेगी, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।